दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि प्ले स्टोर का आईडी कैसे बनाया जाता है। जब भी आप प्ले स्टोर ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें आपको ईमेल और फोन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको पुराना वाला ईमेल मालूम नहीं है और फोन दाब रहे हैं तो फोन में लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक नया ईमेल आईडी बनाना होगा, तभी आप प्ले स्टोर में लॉगिन हो पाइएगा। उसके बाद आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिएगा या अपडेट कीजिएगा। तो नया ईमेल आईडी बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन खुल कर आएगा, एक फॉर माई सेल्फ यूज और दूसरा ऑप्शन है फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई पर्सनल यूज पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप क्लिक कर देना है, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन खुल कर आएगा, इसमें आपको फर्स्ट नेम और दूसरा में सर नेम भरना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा कुछ देर प्रोसेस लेगा या और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पूछ रहा है इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, यहाँ पे आपका जन्म वर्ष भरना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भरना है, जैसे 1/1/2000 हो या 1/1/2001 हो तो यहाँ पे टाइप करना है 1/1/2001। दोस्तों जब जन्म वर्ष और जेंडर फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा, ये कुछ देर प्रोसेस करेगा और आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कुछ ईमेल आईडी, यहाँ पर देख सकते हो लिख रहा है चूज योर जीमेल एड्रेस, पिक ए जीमेल एड्रेस और क्रिएट और ऑन। तो यहाँ पे इसमें जो पसंद है यहाँ पे आप टिक लगाकर उसको आगे बढ़ा सकते हो। अगर पसंद नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करके अपने पसंद से यहाँ पे कोई भी जीमेल आईडी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पर क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो मजबूत हो, जिसे कोई अनजादा न लगा सके, वैसा पासवर्ड आपको बनाना है। ABCD में से आपको कोई भी अक्षर एक अंक बड़ा होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए। 1, 2, 3 में से आपको कोई भी अंक यहाँ पे डालना है, उसके बाद कैरेक्टर में से एटरेच हच स्टार कुछ भी यहाँ पे डालकर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पर आपका नाम और ईमेल आईडी शो कर देगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी किसी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसको भी आप एक कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो सके। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में कोई सिम लगा होगा तो आपसे यहाँ पे फोन नंबर के लिए नहीं पूछेगा। अगर कोई सिम नहीं लगा हो, वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसको बना रहे तो यहाँ पे आपसे कोई एक मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ देर इस प्रकार का प्रोसेस करेगा और आपका आईडी बनकर यहाँ पे डायरेक्ट चलाएगा। तो इस तरह दोस्तों प्ले स्टोर का आईडी आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी एप्स को डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से आप डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी एप्स अपडेट करना हो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह प्ले स्टोर का आईडी आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।